प्लेऑफ से बाहर होते ही रो पड़े रोहित, मैच जीतकर भी नहीं थे खुश, कही बड़ी बात। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 42 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि इस जीत के बाद भी मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर हो गई, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी दुखी हो गए और टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाने पर दिल छू लेने वाली बात कही है। दोस्तों, रोहित ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन सी दो टीम आईपीएल 2021 का फाइनल मैच में भिड़ेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज आईपीएल का 55वां और लीग का आखिरी मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी के मैदान पर खेला गया। दोस्तों, आज का मैच मुंबई के लिए सिर्फ फाइनल मैच था, क्योंकि उन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है तो हैदराबाद को बड़े अंतर से हराना ही था, तभी वह कोलकाता को बाहर करके प्लेऑफ में जगह बना सकती थी। ऐसे में मुंबई के लिए ये मैच करो या मरो का था। वही हैदराबाद के लिए भी ये लीग का आखिरी मैच था, लेकिन उनके लिए ये मैच सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए था, क्योंकि वे प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन मुंबई की उम्मीद अभी भी जिंदा है, इसलिए उन्हें तो सिर्फ आज गेंद को उड़ाना था। वही दोस्तों, इस महामुकाबले में हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव हो गया। कप्तान केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेल रहे थे, बल्कि उनकी जगह मनीष पांडे टीम की कप्तानी कर रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वहीं मुंबई की टीम भी फाइनल मुकाबले में दो बदलाव के साथ उतरी। आज पीयूष चावला को अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला, तो कुणाल पांडे की भी वापसी हुई, तो दो बदलाव के साथ उतरी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने इस अहम मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ताकि एक बड़ा टोटल हैदराबाद के सामने खड़ा करे, फिर उन्हें जल्दी आउट करे और प्लेऑफ में जगह बनाए। तो दोस्तों, प्लेऑफ में जगह बनाने के इरादे से उतरे मुंबई के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और ईशान किशन आज सर पर कफन बांधकर आए थे। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, चाहे आउट हो जाए, लेकिन जब तक क्रीज पर खड़े रहेंगे गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार भेजेंगे, और अपने इस इरादे को अंजाम दिया ईशान किशन ने। दोस्तों, आज ईशान किशन वाकई में सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के दूसरे ही गेंद पर छक्का जड़कर ईशान किशन ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया, और देखते ही देखते मात्र 32 गेंदों में ही 84 रन जड़ दिए। तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसकी बदौलत मुंबई 235 रनों का पहाड़ हैदराबाद टीम के सामने खड़ा कर दी। हालांकि एसआरएच की टीम इस लक्ष्य को नहीं भेद पाई और कप्तान मनीष पांडे ने नाबाद 69 रनों की बदौलत 193 रन ही बना पाई। वहीं दोस्तों, इस मैच को जीतने के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा खुश नहीं थे। मैच के बाद रोहित ने कहा, हमें दुख है कि हम प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाए, हमने काफी कोशिश की अच्छे रन रेट से इस मैच को जीते, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। हमारे फैंस भी हमसे काफी उम्मीद किए हुए थे, लेकिन हम उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए आप सभी मुंबई इंडियंस के फैंस से माफी मांगता हूँ।